लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों को टिकट देगी बीजेपी। केशव प्रसाद मौर्य ने बताया किसे बनाया जाएगा उम्मीदवार। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ट्रिगर न्यूज और मैं हूं आपके साथ चेष्टा चोपड़ा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने बीते दिनों लखनऊ में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर एक बैठक की थी, जिसके बाद कहा गया कि पार्टी ने आगामी चुनाव के लिए बूथ स्तर से लेकर सभी 7 मोर्चों की समीक्षा की गई है। लेकिन अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान ने नया मोड़ ला दिया है। अगर डिप्टी सीएम की बात सच हुई तो बीते 2 चुनावों से अलग यूपी में इस बार चुनाव देखने को मिलेगा। दरअसल डिप्टी सीएम से पंचायत के दौरान पसमंदा मुसलमानों को लेकर सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने कहा मुसलमान सुरक्षित जीवन जी रहा है, जो कार्यकर्ता हमारा होगा हम उन्हें टिकट भी देंगे और पहले भी दिया है, लेकिन अगर जीतने लायक नहीं है तो हम केवल गिनती गिनाने के लिए टिकट दे दें कि मुस्लिम को दिया है, तो हम हारने के लिए टिकट नहीं देंगे, जब टिकट देंगे तो जीतने के लिए टिकट देंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख का निशाना साधते हुए आगे कहा, अगर अखिलेश यादव मुसलमानों को साथ लेकर चलते तो क्या सत्ता से बाहर जाते? अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इस यूपी में विधानसभा चुनाव के दौरान हमने 325 विधायकों के साथ सरकार बनाने का काम किया। 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ था तो हम इसी यूपी में 73 सीटों पर जीते थे। उन्होंने बीएसपी, कांग्रेस और आरएलडी से गठबंधन किया। उन्होंने आगे कहा, लेकिन उनके गठबंधन करने के बाद भी हमारे 64 सांसद जीत कर लोकसभा में गए। 2022 में लोकसभा चुनाव में उन्होंने कहा था कि 400 सीट जीतेंगे। मुझे लगा उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा होगा, अगर स्वास्थ्य ठीक रहता तो 200 या 250 बोलते तो समझ में आता। 2017 में एक तरफा वातावरण था, तब भी हम लोग 265 प्लस बोलते थे, लेकिन जब देखे कि माहौल बहुत अनुकूल है तो हम लोगों ने अब की बार 300 पार कहा था। धन्यवाद दर्शकों, ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ट्रिगर न्यूज।